इसको बनाने के लिए आपने 8 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, प्लस आपको इसमें 2 कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी 18 फंदों में डाल करके, यहाँ पर मैंने 18 फंदे लगाए हुए हैं, ठीक है। 8 से गुणा करके 16 और जमा उसमें 2 करके मैंने यहाँ पर 18 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए, आप कोई भी 2 कलर में भी आप इसको बना सकते हो, चाहे ज़्यादा कलर में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप इस तरह से बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद पहली रो सीधी तरफ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, यह हमारी रो 1 है। राइट साइड से बेस कलर से ही, जो आपके पास बेस कलर है उसी से हमने क्या करना है, पहली रो और तीसरी रो राइट साइड से सीधी बना लेनी है। रो 1 एंड रो 3 राइट साइड से सीधी बनानी है। सारे फंदे आपको इस तरह से सीधे सीधे बनाते जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 18 फंदे लगाए हुए हैं। ये 18 फंदों में मैं आपको ये डिज़ाइन बना करके बताऊंगी। तो इस रो को पूरा नेट कर लीजिए। अब रो 2 पर आ जाइए रॉन्ग साइड से। तो रो 2 और रो 4 रॉन्ग साइड से, ये हमने पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। रो 2 एंड रो 4 पैरेलल स्टिचेस, मतलब सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं रॉन्ग साइड से, ठीक है। तो ये 4 रो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ रो 5 में हमने क्या करना है। तो आप देखिए, रो 4 तक मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब ये रो 5 है हमारी राइट साइड से, 5वीं रो सीधी तरफ से। इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम धागा चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे अब 2nd कलर का धागा। तो पहले फंदे को सीधा बना लेंगे, उसके बाद हम 3 फंदे और सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अगर एस स्टिच के साथ हम काउंट करते हैं तो 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5वां फंदा है इसको सीधा बनाया, इस तरह से उतार दिया। अब वापिस से इसको इस सिलाई में डालेंगे। अब इस फंदे से हमने 5 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। 5 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए, 1 हो गया, फिर इसको वापिस से ऐसे डाल दिया, ठीक है, 2 हो गया, इसको फिर से इस सिलाई में डाल दिया। और थोड़े से लूज आपने ये फंदे रखने हैं। ये 3 हो गया, ये देखिए डाल दिए इसमें, 4 और ये 5। इसी तरह से हमने फंदे बनाने हैं। अगर आप अब काउंट करोगे इन फंदों को तो आपके पास ये 6 फंदे, एक ये मेन फंदा था, उसके बाद हमने 5 फंदे यहाँ पर कास्ट ऑन किए, तो 6 फंदे हमारे पास हो गए। अब ये 6 के 6 फंदे हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है, ठीक है। जो भी 6 फंदे हमने कास्ट ऑन किए उनको पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई को करेंगे और 6 का हमने यहाँ पर एक फंदा बना लेना है। फंदे तो इसीलिए थोड़े से लूज रखने हैं ताकि जब हम 6 का 1 करें तो हमसे ये इजीली हो जाए। ये देखिए, इस तरह से 6 का 1 कर लिया। अब आगे वाला जो फंदा है उसको भी हमने सीधा बना लेना है, फिर टर्न हो जाना है रॉन्ग साइड की तरफ को और धागा पीछे करेंगे। अब इस फंदे से हमने वापस से 5 फंदे बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से सीधा बनाया, एक बार इसको सिलाई में डाल लिया, 1 हो गया, इसको फिर से सिलाई में डाल लिया, 2 हो गए, फिर से सिलाई में डाला, 3 हो गए, फिर से सिलाई में डाला, 4 हो गए, फिर से सिलाई में डाला, 5 हो गए। तो ये 5 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिए। अब इन 5 फंदों का, सॉरी 5 नहीं होंगे, ये 6 होंगे। अब 5 फंदे हमने बनाए और 6ठा वो दूसरा फंदा है जिससे हमने ये सारे फंदे बनाए। अब इनको वापिस से ये 6 के 6 फंदे हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है। इस तरह से देखिए, हमने एक फंदा बना लिया। अब वापिस से टर्न हो जाएंगे राइट साइड की तरफ को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट साइड की तरफ को हम टर्न हो गए। अब धागा हमारा पीछे की तरफ रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 फंदा और 1 फंदा, इन दोनों का हमने पीछे की तरफ से पहले एक फंदा बना लेना है। 1 फंदा बना लिया, अब इनको छोड़ना नहीं है। अब इन्हीं को हम आगे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे और इस बार थोड़ा सा टाइट इनको रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। अब बीच में 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, अब फिर से हमने यहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम यही 8 फंदे रिपीट करेंगे। ये 2 फंदों में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो देखिए फिर से पहले इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर इसको वापिस इधर ले लेंगे, फिर इससे हम 5 फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये देखिए ये हमने बना लिए इसे 5 फंदे। अब इन 5 ए और छठा ये जो मेन फंदा है इन 6 को हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है। यह हमने एक फंदा बना लिया। अब आगे वाले फंदे को पहले सीधा बना लेंगे। अब पीछे की तरफ को हो जाएंगे बैक, धागा आगे की तरफ करेंगे और अब इससे हमने इस फंदे से 5 फंदे बनाने हैं। तो एक हो गया, 2 3, थोड़े लूज रखिएगा, 4 और ये 5। तो 5 ये फंदे और छठा ये मेन फंदा, इन 6 का हमने एक बना लेना है पीछे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से सिलाई को करेंगे और इनका हम एक फंदा बना लेंगे। अब वापिस से टर्न हो जाएंगे राइट साइड की तरफ को, टर्न हो गए, धागा पीछे ले जाएंगे पहले। अब इन दोनों फंदों को देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से पहले एक फंदा बना लेंगे, फिर आगे की तरफ से इनको फिर से बुनाई करते हुए इनके 1 2 से 2 फंदे हो जाएंगे। तो सारी रो में देखिए हमने यही 8 फंदे रिपीट करते जाना है। अब लास्ट में आपके पास 4 फंदे बचे होंगे, इनको आपने सीधा बना लेना है। इधर भी हमारे 4 फंदे हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी आपके 4 फंदे ही बचेंगे, इनको हमने सीधा बना लेना है इस तरह से। अब रॉन्ग साइड पे आ जाइए रो 6 पे। तो अब इस रो में को भी ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। पहला फंदा उल्टा उतारा, अब 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 और ये 3। अब बीच में जो हमने जिन 2 फंदों का हमने फ्लावर बनाया था इन दोनों को हमने स्लिप करना है। ये देखिए 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब बीच में हमारे सेम वैसे ही चलेगा, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 जो फ्लावर वाले फंदे हैं उनको हमने स्लिप करना है। 6 फंदे उल्टे, 2 फ्लावर वाले फंदे स्लिप करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इस पूरे डिजाइन को बनाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचेंगे, चारों को हमने उल्टा बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से हम बेस कलर से, ठीक है, रो 7 8 9 10 बेस कलर से, मतलब मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया है, इससे हम सीधी तरफ से सीधी बुनाई करेंगे, उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई। जैसे हम रो 1 2 3 4 बनाई वैसे ही हम रो 7 8 9 10 बनाएंगे, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। रो 10 तक मैंने बना लिया है। रो 10 तक बनाने के बाद आपका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब रो 11 पर आ जाइए राइट साइड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से अपना धागा चेंज करूंगी। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी रेड कलर का धागा। जब आप धागा लगा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है ये जो नीचे वाला धागा है, थ्रेड है, ये भी आपको इस तरह से ऊपर लाते जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं रेड कलर का धागा यूज कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पे 8 फंदे सीधे बनाने हैं। सबसे पहले हम 8 फंदे यहाँ पे सीधे बनाएंगे। 2 स्टिच के साथ मैं काउंट कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर 8 फंदे ये सीधे बना लिए। अब फिर से हम यहाँ से वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने रो 5 में बनाया था, वैसे ही हमने यहाँ पे बनाना है। देखिए एक बार इसको सीधा बनाया, फिर यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, इससे हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो तो बड़े फंदे भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। 6 फंदे बनाइए, 7 क्रिएट कीजिए, 8 कीजिए, 9 कीजिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हो अगर बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे फिर हम इनको 6 का एक फंदा बना लेंगे, आगे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब टर्न हो जाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे और इस फंदे से हम फिर से 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब वापस से 5 फंदों का हमने 5 नहीं, एक मेन भी होगा, 5 फंदे और एक मेन फंदा, तो 6 फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बना लेना है पीछे की तरफ से। अब वापस से टर्न हो जाएंगे, ठीक है, और धागा पहले पीछे ले जाएंगे। अब एक ही फंदा और ये के दोनों रेड फंदों का हमने पहले पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है। अब आगे की तरफ से एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से पहले आगे से बुनेंगे इनको, फिर पीछे से बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से हमने करना है। देखिए बीच में फिर से चलेगा हमारा, इसी तरह से 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, फिर इस तरह से हमने डिजाइन बनाना है। बीच में सेम वैसा ही चलेगा। लास्ट में आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे, 8 आपने ये सीधे बना लेने हैं। रो 12 पर रॉन्ग साइड से, तो इसमें पहले ये 8 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 2 जो फ्लावर वाले फंदे हैं इन दोनों को हमने स्लिप करना है। और फिर से हमने वैसे ही करना है। बीच में 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और 2 फंदे हम स्लिप करेंगे फ्लावर वाले, ठीक है। लास्ट में आपके पास ये 8 फंदे बचेंगे, 8 आपने उल्टे बना लेने हैं। कि रो 12 तक बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। हम जैसे जैसे इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए कुछ डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। इस डिज़ाइन में स्वेटर बना के ज़रूर देखिएगा बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।